पूर्ति की देवी। पूर्ति की देवी अनगिनत सोने और अनाज का स्रोत है। पृथ्वी उसकी कोख है। इसी कोख से देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर उन सब में उसका सबसे ज्यादा लगाव देवी को अपनी पहली संतान हस्तर से था। हस्तर ने देवी का सोना और अनाज चुराना चाहा। सोना तो हस्तर ने पा लिया, पर जब वो अनाज की तरफ बढ़ा, बाकी सभी देवताओं ने उस पे हमला कर दिया। हस्तर का अंत होने ही वाला था कि पूर्ति की देवी ने इसे बचा लिया, एक शर्त पे के कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा। इसलिए किसी भी वेद या पुराण में हस्तर का नामो निशान नहीं मिलता। पर कहीं युग बीतने के बाद किसी इंसान ने तुम्बाद में हस्तर का मंदिर बना दिया, और तभी से तुम्बाद पे सभी देवी देवताओं का प्रकोप बारिश बन के बरस रहा है। 1918 का समय, तुम्बाद में आज भी बारिश हो रही है, और एक औरत एक हवेली में वहाँ के जमींदार सरकार को यौन सेवाएं देने पहुँचती है, ताकि बदले में वो उसे हवेली में रखे हस्तर की मूर्ति में लगा सोने का सिक्का दे दे। वो सिक्के की मांग करती है, पर सरकार उसे सबर करने के लिए कहता है। वो सरकार से ये भी कहती है कि आज उसे जल्दी जाने दो, क्योंकि बुढ़िया जग गई तो आफत आ जाएगी। दूसरे तरफ इस औरत के दो बच्चे दिखते हैं, विनायक और सदाशिव, जो घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं और परेशान है कि माँ को देर हो गई तो बुढ़िया को खाना कौन खिलाएगा। इसलिए वो धीरज करके घर के अंदर जाते हैं, अनाज पकाते हैं और बुढ़िया को खिलाने वाले होते हैं, पर दोनों घबराए हुए होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी उसे खाना नहीं खिलाया। के इतने में उनकी माँ वहाँ पहुँचती है और बच्चे के हाथ से थाली छीन कर खुद घबराते हुए उसे देने बुढ़िया के कमरे में जाती है। बड़े बेटे विनायक को हवेली में रखे सोने का लालच है, उसे सरकार से सिर्फ तुम्बाद का खजाना चाहिए। वो अपनी माँ से इसी बारे में बात कर रहा होता है कि बुढ़िया खौफनाक आवाज करने लगती है, जिससे वे दोनों घबरा जाते हैं। माँ एक कुल्हाड़ी लेके बुढ़िया के कमरे की तरफ बढ़ती है और कहती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुन वो शांत हो जाती है। कुछ दिन में सरकार की मौत हो जाती है और विनायक की माँ को सोना नहीं मिलता, तो उसकी माँ अपनी बच्चों से कहती है कि वो ये गाँव छोड़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। पर विनायक को सिर्फ हवेली में रखे सोने से मतलब है। पर तभी विनायक का छोटा भाई गिर जाता है और उसे गहरी चोट आती है। माँ उसे ले वैद्य के पास निकल जाती है और आज बुढ़िया को खाना खिलाने की जिम्मेदारी विनायक पे आ जाती है। दरअसल ये बुढ़िया विनायक की दादी होती है। विनायक को खाना बनाने में देर हो जाती है और दादी जाग जाती है। विनायक को सोने का लालच है और ये जानता है कि सोने का पता दादी को मालूम है, तो वो उसके कमरे में पहुंच जाता है। दादी किसी अधमरे दानव की तरह दिखती है। विनायक उसे पूछने लगता है कि सोना कहाँ छुपा रखा है, पर दादी उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो खींच के विनायक को अपने कमरे में ले जाती है मार के खाने के लिए। विनायक डर से चीखता चिल्लाता है, तभी उसे माँ के बोल याद आते हैं, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, जिसे सुन दादी वही सो जाती है। कुछ देर बाद माँ बुरी खबर ले आती है कि सदाशिव नहीं रहा। दूसरे दिन विनायक और उसकी माँ गांव छोड़ पुणे चले जाते हैं, पर विनायक का सोने का लालच अभी भी नहीं गया। 15 साल बाद विनायक अब बड़ा हो चुका है और वो तुम्बाद वापस आया है। उसी घर में वो देखता है दादी अभी भी जिंदा है, पर उसके भीतर से अब एक पेड़ उग चुका है। वो दादी से एक सौदा करता है। दादी उसे खजाने का पता बताती है, जिसके बदले वो दादी को मुक्ति देगा। विनायक हवेली जाता है, आटे की गुड़िया बनाता है और कुएं में कूद जाता है। ऐसा वो कई दिन तक करता है। अंत में दादी को मुक्ति देकर वो पुणे लौटता है। वहाँ इसकी बीवी पैसों की कमी की वजह से आटा बनाने का काम करती है, पर अब विनायक तुम्बाड से खजाना ले आया है। वो अपने दोस्त राघव, जो अफीम का व्यापारी है, उसकी मदद से 3 सोने की मुद्रा के बदले पैसे ले लेता है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगी है, वो काफी अमीर हो जाता है। विनायक अपनी बीवी के हाथों पिसा आटा लेके बीच बीच में तुम्बाड जाता है और हर बार कुछ मुद्राएं लेके वापस आता है। राघव को विनायक पे शक होने लगता है कि विनायक कहीं चोरी तो नहीं कर रहा या उसे कोई खजाना मिला है। राघव को बहुत सारे पैसे की जरूरत है अंग्रेज को घुस खिलाने के लिए, ताकि वो अपना व्यापार बढ़ा सके। इसलिए वो विनायक के सोने का राज जानने की कोशिश करता है, उसके व्यापार में हिस्सेदार बनने की भी इच्छा दिखाता है, पर विनायक अपना राज नहीं बताता।
कुछ दिन बाद राघव एक विधवा लड़की को विनायक के घर ले आता है और विनायक उसे घर पर रख लेता है, क्योंकि विनायक के बीवी को एक काम करने वाली चाहिए। पर एक रात विनायक और ये लड़की फिजिकली करीब आते हैं। तब ये लड़की उसे ये कबूल करती है कि राघव ने उसे जानबूझकर यहाँ रखा है ताकि विनायक दो दिन तक व्यस्त रहे और राघव तुम्बाद में खजाने का पता लगा ले। ये सुनकर विनायक गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ राघव तुम्बाद की हवेली पर पहुँचता है। राघव हर जगह खजाना ढूंढता है। तभी विनायक वहाँ पहुँचता है और वो जानबूझकर सोने का रास्ता दिखाने के लिए कुएं में जाता है। कुछ देर बाद वापस भी आ जाता है। विनायक के वहां से चले जाने के बाद राघव कुएं में चला जाता है। वहां उसे एक सुरंग का रास्ता मिलता है जो देवी की कोख में जाता है। वहां उसे मिलता है एक डिब्बा जिसे जादू का चिराग समझ राघव उसे घिसने लगता है, पर कुछ नहीं होता। आखिरकार वो उसे खोल देता है और अंदर होती है आटे की गुड़िया। अचानक राघव पे एक दानव हमला करता है। कुछ देर बाद विनायक आता है और राघव को देखता है जो हस्तर के शाप के कारण एक जोम्बी बन चुका था। हस्तर ने उसे कोख की दीवार में गाड़ दिया था। विनायक मंत्र पढ़ते हुए आटे से अपने आसपास एक गोल रेखा बना लेता है और राघव को तड़पता देखकर बोलता है, सो जा राघव वरना हस्तर आ जाएगा। यानी दादी को भी हस्तर का ऐसा ही शाप लगा था। अब विनायक और एक आटे की गुड़िया निकालता है जिसे लेने हस्तर वहां आ जाता है, पर वो आटे के घेर को पार नहीं कर पाता क्योंकि हस्तर को सोना मिला था पर वो अनाज नहीं ले सकता। विनायक गुड़िया दूसरी तरफ फेंक देता है। पीछे पीछे हस्तर दौड़ता है और आटे की गुड़िया खाने में व्यस्त हो जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए विनायक हस्तर की कमर पर लगी पोटली को खोल देता है जिसमें से कई सारे सोने की मुद्राएं निकलती है। इससे पहले के हस्तर का ध्यान हटे विनायक कुछ मुद्राएं जमा करके वापस निकलता है। जाते जाते वो लालटेन राघव पे फेंक देता है जिससे आग लगकर राघव को मुक्ति मिल जाती है। विनायक कुएं से बाहर निकल आता है। यही होता है विनायक का राज, सोने का खजाना। 14 साल बीत जाते हैं। विनायक अब बूढ़ा हो गया है। वो अब अयाशी और नशे में धुन रहता है। घर पे लाए विधवा लड़की अब इसकी दूसरी बीवी बन चुकी है और इसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा पांडुरंग। पांडु रोज रस्सी से चढ़ने उतरने की और मुद्रा जमा करने की तालीम करता है ताकि आगे जाकर वो विनायक की जगह ले सके, पर मुद्राएं आती कहां से थी ये सिर्फ विनायक जानता है। एक दिन विनायक पांडु को तुम्बाद ले जाता है। जाते वक्त वो पांडु से पूछता है, तुम्हें अगर ऐसा श्राप मिला जिसमें तू अमर है और तुम्हें रोज बस खाना और सोना है तो क्या तुम वो श्राप लोगे? जिसपे पांडु कहता है, जरूर लूंगा। जिसपे विनायक कहता है, जिसके पास ये श्राप नहीं है वो इसे वरदान समझता है, पर जिसके पास है उसके लिए जिंदगी मौत से भी बदतर है। विनायक पांडु को देवी की कोख में ले जाता है। अब पांडु को भी पता था कि विनायक सोना लाता कहां से था। इस समय तक भारत आजाद हो गया और तुम्बाड़ की हवेली भारत सरकार के अंदर आ गई। विनायक ने काफी संपत्ति जोड़ तो ली थी पर उसे शक था कि वो काफी होगी या नहीं। तो उसका बेटा पांडुरंग एक सुझाव देता है, हस्तर का सोना उसकी पोटली में है तो क्यों ना उसकी पोटली ही चुरा ले। हम बहुत सी आटे की गुड़िया लेके जाएंगे, वो एक खाएगा तब तक दूसरी फेंकेंगे, फिर तीसरी फेंकेंगे और इस दौरान पोटली चुरा लेंगे। विनायक को ये सुझाव अच्छा लगा और दोनों बहुत सारे आटे के साथ तुम्बाद निकल लिए। तुम्बाद जाके ये दोनों काफी सारे आटे की गुड़िया बनाते हैं और उन्हें लेके देवी की कोख में उतर जाते हैं। आटे का घेरा बना के विनायक एक गुड़िया बाहर निकालता है और हस्तर आ जाता है। प्लान के अनुसार वो दूसरी गुड़िया निकालता है और अचानक दूसरा हस्तर दिखाई पड़ता है। विनायक को एहसास होता है कि जितनी गुड़िया होंगी उतने ही हस्तर भी आएंगे। अब बहुत सारे हस्तर घेरे के आसपास जम जाते हैं। कोई हस्तर घेरे के अंदर नहीं आ सकता, पर इतने सारे हस्तर होते हुए दोनों बाप बेटे भी घेरे के बाहर नहीं जा सकते। लालच ने इन्हें बुरा फंसाया। माहौल काफी डरावना हो जाता है। कुछ माचिस की तीलियों को पीछे छोड़ लालटेन तक बुझ जाती है। आखिरकार विनायक एक फैसला लेता है। वो सारी गुड़िया अपने शरीर पे बांध लेता है ताकि हस्तर का ध्यान अपनी ओर खींच सके और जब तक हस्तर विनायक को मारे तब तक पांडु कोख से बाहर निकल जाए। पांडु ये देख के रोने लगता है, विनायक को रोकता है पर विनायक नहीं सुनता। पांडु को बचाने के लिए वो अपनी बलि दे देता है
विनायक रस्सी से ऊपर चढ़ जाता है और कोक से बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे सारे हस्तर दौड़ पड़ते हैं और पांडुरंग अब खतरे से बाहर होता है। पांडुरंग कोक से बाहर निकलता है, अपने बाप को ढूंढता है और देखता है विनायक एक ज़ॉम्बी में बदल गया है, ठीक दादी और राघव की तरह। विनायक पांडु से कहता है, ये लो हस्तर की पोटली, यही चाहिए थी ना तुम्हें। पांडु को एहसास होता है लालच की वजह से उसने अपने बाप को शापित कर दिया है। अपने बाप की बुरी हालत देखकर पांडु रोने लगता है और कहता है, सो जा बाबा वरना हस्तर आ जाएगा। आखिर में बिना वो पोटली लिए ही पांडु रोते हुए वहां से चला जाता है और कहानी यही खत्म हो जाती है।